जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के टेस्ट नंबर 43 यानी कि 43 का जो टेस्ट हुआ था उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज 43 का जो टॉपिक था वो था संवैधानिक ढांचा। और देखिए संवैधानिक ढांचा जो है ये जो है बहुत ही जो लेंदी टॉपिक है, तो आसानी से समझने के लिए संवैधानिक ढांचा को जो है आपको जो है दो भाग में पार्ट वन और पार्ट टू में जो है आपको जो है उपलब्ध कराया गया है। और पार्ट वन के अंतर्गत जो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के निर्माण कैसे हुआ और संविधान की जो प्रस्तावना है उनको जो शामिल किए हुए हैं। और कल जो है संवैधानिक ढांचा पार्ट टू आएगा, उसमें जो है आपको जो संघ एवं इसके क्षेत्र, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य जो है उसमें जो शामिल होगा। अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चन कितना आता है बीपीएससी में, तो देखिए संवैधानिक ढांचा से जो है एक क्वेश्चन जो है फिक्स आता है, लेकिन ये जो टॉपिक जो है ये जो है बहुत ही जो है लंबा है, इसलिए जो है हम इसको जो दो भाग में जो है बांट दिए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन निश्चित अगर लेना है तो आपको दोनों पार्ट को जो है देखना होगा। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि देखिए हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था टॉपिक वाइज और साइंस का जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टॉपिक वाइज चैप्टर था सारे को जो है करा दिया गया है। और यहाँ से जो लगभग अगर एवरेज की बात करें तो 60 से 65 जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है आता है। तो आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री और जो है आप जो है साइंस का जो है देख लीजिए। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो बोल रहा है कि कब जो है इन्हें जो है प्रस्तावना में, उद्देशिका का मतलब हो गया प्रस्तावना, बोल रहा है प्रस्तावना को ही जो है उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि उद्देशिका का मतलब जो प्रस्तावना होता है। और प्रस्तावना में बोला गया कि कब जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर प्रस्तावना की बात करें तो देखिए प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। अगर बात करें कि इस संविधान को निर्माण करने में जो है कितना खर्च लगा था, तो देखिए इसके निर्माण पर जो है कुल जो खर्च था वो जो है 64 लाख रुपये जो है खर्च हुआ था संविधान के निर्माण पर। और उसके बाद जो है यह जो है प्रस्तावना जो है तैयार किया गया था। अगर बात करें कि किसने जो है यह प्रस्तावना बनाया था, तो आपको बता दूं कि प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू ने जो है बनाया था। और इस प्रस्तावना में जो चार मूल तत्व थे, कौन कौन थे? तो संविधान के अधिकार के स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान का क्या उद्देश्य है और संविधान लागू होने की तिथि जो है इसी प्रस्तावना में जो आपको जो है दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा प्रस्तावना, प्रस्तावना अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ देगा कि सीरीज में इसमें कौन कौन से तत्व है चाहे कौन कौन से शब्द है, तो वहाँ पर जो है आपको जो प्रस्तावना जो है अगर याद रहेगा तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इनमें जो है कौन से मुख्य शब्द है, तो देखिए प्रस्तावना में जो 9 मुख्य शब्द है कौन कौन, तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता, ये जो है 9 जो है मुख्य शब्द है। तो आपको जो है इतनी चीज जो है याद रखना है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। देखिए अगर बात करें इसके बारे में तो संविधान सभा में जो अंतिम प्रारूप था वो जो है 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था और उसी दिन जो है संविधान को जो है पहली बार पढ़ा गया था। कितने तारीख को आपको याद रखना है? 4 नवंबर 1948 को। अब देखिए अब इसके बाद जो है 5 दिन तक इस पर चर्चा हुआ, फिर क्या, तो देखिए फिर जो है 15 नवंबर से, अब 5 दिन का मतलब क्या हुआ, तो 9 नवंबर तक चर्चा हुआ, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, फिर जो है 15 नवंबर से जो दूसरा चर्चा इस पर जो है स्टार्ट हुआ, फिर तीसरी बार जो है 14 नवंबर 1949 से इस पर जो है चर्चा शुरू हुआ। तो दूसरी चर्चा जो है, पहली चर्चा और दूसरी चर्चा जो है 1948 में हुआ था, लेकिन अगर बात करें तीसरी चर्चा तो यह जो 14 नवंबर 1949 में जो है शुरू हुआ था। अगर बात करें कि इसमें जो है कौन जो है प्रस्ताव पेश किया था, तो देखिए इसमें जो है बीआर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जो है वो जो प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव को जो है क्या किया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है पारित कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक जो है
अंतिम जो है हस्ताक्षर के लिए जो है सभा का जो है बैठक हुआ, तो वो कब हुआ था हस्ताक्षर के लिए, तो आपको यह याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को जो है बैठक हुआ था। अगर बात करें कि कुल कितने बैठक हुए थे, तो देखिए इसमें जो कुल जो है 12 जो है बैठक हुए थे, कितने 12 बैठक हुए थे, और इस लास्ट दिन जब जो हस्ताक्षर उस दिन जो कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 284 सदस्य जो है उपस्थित थे। और इसी के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है यह जो संविधान जो है लागू कर दिया गया। तो इतने फैक्ट जो आपको जो याद रखना है। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। कहां पर है धर्मनिरपेक्ष, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1884 ईस्वी में। अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, तो देखिए 1773 ईस्वी की जो कमी थी, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुई थी, उस कमी को सुधारने के लिए जो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, तो एक संशोधित अधिनियम जो है 1781 में जो है पारित किया, और इसे ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट के है, या फिर जो है उसे आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं, कि सुधारने के लिए जो एक्ट लाया गया, यानी कि उसको सेटलमेंट करने के लिए, तो उसी एक्ट को जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। और इसी सेटलमेंट एक्ट के बाद जो है 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अब बात करें कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या सब हुआ, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत में कुछ नहीं है, आपको याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है राजनीतिक कार्य एवं जो वाणिज्यिक कार्य था उसको जो है अलग कर दिया। अब बात करें कि आखिर वाणिज्यिक कार्य के लिए क्या किया, देखिए वाणिज्यिक कार्य के लिए जो निदेशक मंडल का गठन कर दिया, और राजनीतिक कार्य के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है गठन कर दिया। मतलब क्या, पहले जो एक शासन था उसको जो है द्वैध शासन में जो है आरंभ कर दिया। याद रखना है कि कौन से एक्ट के द्वारा जो है भारत में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है द्वैध शासन की नींव डाली थी, तो आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कब लाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1784 ईस्वी में, आपको ये भी याद रखना है। अब छठा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन जो है सही क्रम में है, तो आपको हम बताए थे कि प्रस्तावना को आपको जो याद रखना है, अगर याद रहेगा तब ही इस तरह के क्वेश्चन जो आप दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, मतलब बोल रहा है कि कब जो है इसे जो अंगीकृत किया गया था, यही तो इसे जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है इसे जो घोषित किया गया है। देखिए नौवां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में शामिल था, तो जब जो संविधान बनाया था उस समय जो है कितने जो है अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियां, तो आपको यह आंसर देना है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बात कर दे कि वर्तमान में जो है कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां है, तो आपको आंसर देना है वर्तमान में जो है 2019 के अनुसार अगर बात करें तो कुल जो है 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां जो है शामिल है। अब देखिए दसवां नंबर का क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। देखिए अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, तो यह जो एक्ट जो है भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उठाया गया जो है पहला साहसिक कदम था। इससे क्या हुआ, तो देखिए इसके द्वारा जो है भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की जो है नींव रखी गई थी, और इसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल जो है बना दिया था, एवं इसके अलावा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो है उसे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अधीन कर दिए गए, और कलकत्ता में जो है 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें जो है चार न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए। चार में से कितने कौन थे, तो देखिए एक जो है
मुख्य न्यायाधीश थे और तीन जो है अन्य न्यायाधीश जो है शामिल थे। तो इतने जो आपको याद रखना है। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, बोल रहा कि कब जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 26 नवंबर को। तो देखिए 26 नवंबर को संविधान के जो है प्रारूप प्रस्ताव जो है पारित हुआ था या कहे तो अपनाया गया था, तो उसी दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में जो है भारत के लोगों ने जो है मनाया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है यह जो है ऐतिहासिक नहीं था। अब 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो है प्रावधान किया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और आपको जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अभी तुरंत बताए थे। अब 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंट्रेक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इन सभी के कारण ही जो है भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है पड़ी थी। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर इस चार्टर अधिनियम की बात करें तो देखिए इस एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापार को सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी और चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार को ही जो है बहाल रखा, बाकी जो है जितने भी व्यापार थे सभी को बंद कर दिया। तो इस एक्ट के द्वारा कितने, तो देखिए सिर्फ जो है ब्रिटिश व्यापारी जो थे उसके लिए छोड़ा गया था, फिर चाय के व्यापार के लिए और चीन के व्यापार के लिए जो है बहाल जो है चालू रखा था, बाकी जितने व्यापार थे इस एक्ट के द्वारा जो है बंद कर दिए गए। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। देखिए इस अधिनियम ने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया था, और अगर बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो विलियम बेंटिक बना था। और अगर बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देखिए सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का इन्होंने जो है आयोजन शुरू किया और घोषणा की कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से जो वंचित नहीं किया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है की गई थी। हम बताए थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में जो है 1974 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और उनमें जो चार न्यायाधीश थे उनमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन जो है अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केवल एक और दो। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 15 जो है महिला सदस्य थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब बोल है किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बम्बे प्रेसिडेंसी से जो है इसका जो है निर्वाचन हुआ था। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बोल रहा कि क्यों किया गया था 26 जनवरी के दिन लागू करने का, तो देखिए क्योंकि इसी दिन जो है 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में, उसमें जो है पारित हुए संकल्प के आधार पर जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए जो है उसी को देखते हुए जो है 26 जनवरी के दिन को जो है चुना गया। देखिए 22वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, बोल रहा कि कब जो है भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, तो जब पारित हुआ होगा तभी हुआ होगा, तो कब पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 17 नवंबर 1949। देखिए आपको लग सकता है कि यहाँ पर 14 नवंबर भी जो है होगा, क्यों? तो यह जो है क्वेश्चन जो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा अगर लक्ष्मीकांत, तो उसमें जो लिखा गया है उसमें लिखा गया पहली वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। तो यहीं से जो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन दोनों आंसर में आपको देख लीजिएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ के और दूसरा जो होगा उसको जो आपको जो टिक कर देना है। तो यहाँ पे 17 नवंबर है, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर जो है 17 नवंबर जो है टिक कर दीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी एन राउत के द्वारा जो है प्रारूप जो है तैयार किया गया था। अगर बात करें कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो देखिए प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और अगर बात करें इस समिति में कितने सदस्य थे, तो इसमें जो है कुल जो है 7 सदस्य थे, और इनमें जो है एक तो थे स्वयं थे बी आर अम्बेडकर जी, जो कि जो है उसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा जो है और जो है 6 सदस्य थे। और ये अगर समिति की बात करें प्रारूप समिति की, तो यह जो है 1948 में जो अपना प्रथम प्रारूप तैयार किया था, और इस पर जो चर्चा एवं संशोधन के लिए 8 माह का जो है इन्होंने जो है समय दिया। जब जो है शिकायत एवं इसकी आलोचना हुई और कुछ सुझाव मिले, तो उन्होंने जो तुरंत जो है 6 माह में जो है अक्टूबर 1948 में जो दूसरा प्रारूप भी जो है तैयार कर दिया। और अगर बात करें कि दूसरा प्रारूप तैयार करने में कुल कितने बैठकें की थी, तो देखिए 6 माह में इन्होंने जो है 141 बार जो है बैठक किया था। तो आपको इतने फैक्ट जो है याद रखना है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये तो आप सभी को याद होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो इसका आंसर देना है ए। 26 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो कब थी इसकी सही तिथि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। देखिए आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं होना है, वैसे तो बैठक जो लास्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को वो जो है 11वां जो बैठक था, लेकिन हस्ताक्षर के लिए जो है एक और बैठक हुआ था, तो उनको भी आपको जो है काउंट करना है, तो उसे ही जो है अंतिम बैठक की जो है संज्ञा दी गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। हम देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 12। अभी तुरंत हम बताए थे कि 11 हुए थे, और लास्ट में जो हस्ताक्षर के लिए भी एक बैठक की अंतिम बैठक हुई थी, तो उन टोटल को जो है 12 माना गया है। अब बात करें कि कौन सा अधिवेशन या कहें कि कौन सा बैठक जो है कब हुआ था, तो देखिए प्रथम बैठक जो है वो जो 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था, और सेकेंड बैठक जो है 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला था, और तीसरा जो है बैठक वो 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला था। चौथा बैठक अगर सत्र की बात करें अधिवेशन की, तो यह जो है 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला था, और पांचवा की बात करें तो 14 अगस्त से 23 अगस्त 1947 तक। छठा की बात करें तो 27 जनवरी 1948। सातवां की बात करें तो नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। अब आठवां सत्र की बात करें 16 मई से 16 जून 1949। नवां सत्र की बात करें तो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। दसवां सत्र की बात करें तो 6 से 17 अक्टूबर 1949। ग्यारहवां की बात करें तो 14 से 26 नवंबर 1949। और लास्ट बैठक जो हुई थी और इसमें जो हस्ताक्षर जो है किया गया था वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो जितने भी थे सत्र आपको बता दिए, तो आपको यह भी याद रखना है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी ने जो है पेश किया था, और इसमें जो है संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की जो है झलक दी थी, और इसी प्रस्ताव को जो है फिर जो है 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब जो है पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को।
अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो यह तो 9 दिसंबर 1946 को तो हुई थी। और इसमें अगर बात करें कि कौन कौन से जो इसमें जो है शामिल हुए थे, कौन जो है शामिल नहीं हुए थे, तो देखिए मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का जो बहिष्कार किया था, और इसके बदले में उन्होंने क्या किया था तो अलग पाकिस्तान की मांग की थी। और इनमें अगर बात करें कुल सदस्य की, तो इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य थे वो उनकी संख्या थी 211 थी। अगर बात करें इस सभा में जो सबसे वरिष्ठतम जो है यानी कि बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो यह जो थे वो उसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी ने जो है इस सभा का जो है प्रथम जो है उद्घाटन की अध्यक्षता किया था, और इसे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का जो है अस्थाई सदस्य जो है चुना गया था। अगर बात करें कि अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसके अलावा जो दो जो है उपाध्यक्ष को चुना गया था, पहला एच सी मुखर्जी और दूसरा वी टी कृष्णामचारी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका भी आंसर वही घुमा के पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तुरंत हम बताएं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत के संविधान निर्मात्री सभा के भी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था प्रथम सभा की, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा प्रांतीय सभाओं के द्वारा। देखिए अगर बात करें इस चुनाव की, तो देखिए यह जो चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से, या कहें तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा जो है नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इसमें जो है मतदाता जो है इसमें जो वोट नहीं किया था, तो इसलिए जो है इसे जो अप्रत्यक्ष रूप कहा गया, तो वही बोला जा रहा है कि यह चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे उसके द्वारा हुआ था। और यह चुनाव की अगर तारीख की बात करें तो यह जो है जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में हुआ था, और इसमें जीतने वाले सीट की संख्या की बात करें किसने कितना जीता, तो इसमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 208 सीट जो है जीती थी, मुस्लिम लीग जो है 73 सीट, स्वतंत्र सदस्य जो थे वो जो 15 सीट, और बात करें कि 93 सीट तो इसमें जो है खाली रह गए थे, और इसमें और इसके अंतर्गत जो देसी रियासत के जो राजा महाराजा थे वो जो है बोला कि हम जो है स्वयं अकेला अलग हम रहेंगे, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है इसमें जो भाग नहीं लिया था। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए और डी। क्या बोलता है, तो यह जो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह भी जो है बात जो है सही है, और डी में देखिए यह जो है कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो यह भी बात जो है सही है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो कि 1946 में आया हुआ था। 39 नंबर का क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगर बात करें क्रिप्स मिशन की, तो देखिए 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संविधान सभा की जो है गठन की मांग की थी, और उसके बाद जो नेहरू जो 1938 में घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है होना चाहिए, इसमें जो है बाहरी जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो इसी मांग को जो क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार जो है स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जो है एक प्रस्ताव भारत लाया किसके द्वारा जो है, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, जो कि 1942 में जो है भारत आया, और इसका जो है विरोध जो है मुस्लिम लीग ने जो है किया था, और इस प्रस्ताव को जो मुस्लिम लीग जो है अस्वीकार कर दिया। क्यों, तो देखिए मुस्लिम चाहते थे, मुस्लिम लीग, जो भारत को जो दो भागों में बांटा जाए, लेकिन जो क्रिप्स मिशन जो है इस योजना पर जो है सहमति नहीं रखी, और उन्होंने जो है एक जो है नया योजना जो है सामने रखी, जिससे जो है मुस्लिम जो है फिर जो है बाद में संतुष्ट हो गए थे। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर बात करें कि स्वराज पार्टी में कौन, तो उसका नाम है क्या, तो एम एन रॉय ने जो है
इसे जो है प्रस्तुत किया था। 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। देखिए उद्देशिका पर जो आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है, उद्देशिका का मतलब जो है प्रस्तावना ही होता है, तो वही बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया था कहां से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से जो है यह जो है लिया गया था। 42 नंबर का क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई थी, किस देश से ली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जितने भी क्वेश्चन थे 42 क्वेश्चन संवैधानिक ढांचा पार्ट 1 के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान के निर्माण एवं संविधान की प्रस्तावना से सारे को जो क्वेश्चन को जो डिस्कस कर दिए, जो एक्सप्लेनेशन करने वाले थे। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।